हमने अभी देखा केव्स कम सिंक होल, और अब हम देखने जा रहे हैं केव गार्डन्स। तो केव गार्डन क्या है? एक सिंक होल बना, उसके अंदर एक गार्डन तैयार कर रखा है। हमें कैसे पता चला? गूगल जी ने हमें बताया। तो हमने तय किया कि वो देखने जाएंगे। तो कुछ देर का सफ़ेद, ये कच्ची सड़क का पैच है जंगलों के बीच में से, यहाँ से जाना पड़ेगा। सड़क ये काफ़ी आरामदायक है इतनी आरामदायक सड़क पे मेरी गाड़ी बिल्कुल बचती जा रही है, चीख पुकार करती। लगता है यहाँ की सरकार सड़क पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती जो आउटडोर में, थोड़ी अंदर जाके हो, जंगलों के बीच में कम यूज़ होती है। तो सरकार ने सोचा यहाँ क्या खर्चा करें। एक छोटा सा सिंक होल ही है, कोई गोताखोर होगा पैशनेट गोताखोरी का वही आएगा, लेकिन उन्हें यूँ नहीं पता था कि हमारे जैसे घुमंतू जी भी कभी भी टपक पड़ेंगे। पर चलो कोई बात नहीं है, सड़क है तो चल रही है, हम भी चल रहे हैं। जैसे ही केव गार्डन के नज़दीक पहुँचते हैं या पहुँचने के बाद फिर बताते हैं। हम लोगों ने अभी अभी एंटर किया है माउंट गैम्बियर में। तो ये माउंट गैम्बियर एक छोटा सा शहर है साउथ ऑस्ट्रेलिया का, और 60 की जोन हो गई है, पता ही नहीं चला, मैं तो रेस दिए जा रहा था। तो माउंट गैम्बियर हिंदी में अगर इसको बोल रहे तो माउंट गंभीर, मेरा दोस्त एक बड़ा हंसता है माउंट गंभीर बोल के। यहाँ पे पेट्रोल पंप है, एंडेवर पेट्रोल पंप, पहली बार ये कंपनी देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, हमारे मेलबर्न में तो है नहीं, पर चलो एनीवे आगे चला जाए, बढ़ा जाए। माउंट गैम्बियर करीब 6 मिनट बाद हम अपने केव गार्डन में पहुंच जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है कोस्टल एरियाज में बसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे शहर ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैले हुए हैं मकड़ जाल की तरह, पर ये छोटे छोटे शहरों में फैसिलिटीज लगभग सारी महानगरों वाली है। कोई जिसको एक शांतिप्रिय लाइफ की इच्छा हो, ज़रूरत हो, जिसको पैशन हो एक साफ़ सुथरी शांत जगह रहना, वो ऐसे छोटे शहरों में आके आराम से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले या छोटी मोटी जॉब कर ले। घरों के रेट भी ज़्यादा नहीं होते ऐसी जगह, मतलब 3 से 5 लाख डॉलर में रहने लायक बढ़िया, आप 3 से 5 कमरे का अच्छा घर मिल जाएगा। राउंड अबाउट बोलते हैं यहाँ पे गोल चक्र को जो सड़क के बीच में आता है। अगर कोई चंडीगढ़ गए तो चंडीगढ़ में इस तरह के बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं, और इन राउंड अबाउट्स का एक रूल है कि जो आपको राइट साइड में गाड़ी आ रही है आपको उनके लिए रास्ता देना है, आपको उनके लिए अपनी गाड़ी रोकनी है और कोई परवाह नहीं करनी, लेकिन जो आपके लेफ्ट साइड में है वो आपके लिए गाड़ी रोकेंगे। तो आपके जो राइट साइड में है, अगर आप राउंड अबाउट पे हो ऑस्ट्रेलिया में क्रॉस कर रहे हो या मुड़ रहे हो, तो दाएं देखें और अगर कोई गाड़ी आ रही है तो रोक लें, पहले उस गाड़ी को जाने दें, क्योंकि जो गाड़ी आ रही है दाएं से वो एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि ये रूल है यहाँ का, ट्रैफिक रूल है, वो एक्सपेक्ट करेगी कि आप गाड़ी रोकेंगे। अगर आप नहीं रोकते गाड़ी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। कई साल पहले मेरी गाड़ी बजी थी ऐसे राउंड अबाउट पे, तो इट वाज अ गुड लेसन। तो आप कभी ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाएं तो ध्यान रखें राउंड अबाउट पे राइट साइड वाले को रास्ता देना है।
आगे एक और राउंड अबाउट आएगा, इस राउंड अबाउट पे आपको फिर दिखाते हैं। अप्रोच करते हुए राउंड अबाउट को हमने गाड़ी स्लो कर ली और जो भी दाएं से हमारे आ रहे हैं हमने रोक के उनको गिव वे दिया, उनको जाने दिया और फिर हमने अपना गाड़ी आगे बढ़ा ली और जो बाएं वाले हैं वो हमारे लिए रुके। और एक और राउंड अबाउट पे हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। इस शहर में बहुत राउंड अबाउट्स हैं, राउंड अबाउट्स ही राउंड अबाउट्स हैं। यूजुअली रेड लाइट्स होती हैं चौराहों पे मोड़ों पे, इस शहर में बहुत राउंड अबाउट्स हैं। माउंट गैम्बियर। तो अब हम इस राउंड अबाउट से हम राइट जाएंगे तो पूरा ऊपर से घूम के जाएंगे, लेकिन पहले दाएं से जो गाड़ी आई उनको हमने रास्ता दिया, राउंड अबाउट के अंदर डाल ली तो बाएं वाले हमारे लिए रोकेंगे और फिर यहाँ बाएं वाले हमारे रोकेंगे और फिर हम यहाँ पे चल देंगे राइट साइड को। हालांकि ये एक परफेक्ट टर्न है, इधर थोड़ी लेन काट दी और काफ़ी सुंदर शहर है, छोटा सा पेट्रोल पंप भी दिखाई दिया है, पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में। परसों से जब टंकी फुल करा के चले थे जिनके बाद से पेट्रोल पंप नहीं हो पाए हैं, नहीं जा पाए हैं। गाड़ी करीब 550 किलोमीटर चल चुकी है, विच इज़ नॉट बैड। ये यहाँ का सिटी सेंटर लग रहा है, ये रेस्टोरेंट लग रहा है माउंट गैम्बियर होटल। यहाँ पे पब्स को रेस्टोरेंट्स को होटल भी बोल देते हैं, जहाँ पे लोग बैठते हैं खाते पीते हैं। ऊपर रूम्स भी हैं, आप रुक भी सकते हो। तो हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है, ये लेक्सस वाली आंटी हमारे लेफ्ट से निकाल के लिया ही गाड़ी। काफ़ी ख़तरनाक स्टंट था आंटी जी का, लेन थी नहीं, वो सिंगल लेन थी और मेरे को डर लगा कहीं बड़ी आंटी हमारा टर्न मिस हुआ तो अब राइट जाएंगे, ये जीपीएस हमें घुमा के ले जाएगा और कहीं से। चलो इस बहाने थोड़ा शहर घूम लेते हैं, पुलिस है सामने, कोई बात नहीं। तो पुलिस देखते ही डर लगा मेरी घरवाली को और कैमरा फट से नीचे कर लिया। In 150 meters at the roundabout, take the fourth exit and stay on Helen Street. आगे राउंड अबाउट से जाओ। चलो मैं सोच रहा था यहीं से टर्न लगा देता हूँ, यू टर्न कहीं से, नहीं राउंड अबाउट, चलो राउंड अबाउट से घूम जाए। यहाँ पे केमार्ट भी है और यहाँ पे केमार्ट भी है, कुछ लेना हो तो केमार्ट से लिया जा सकता है। In 200 meters, turn left onto Bay Road, Riddick Highway. रेस दिया रहे हैं पूरी किचन की। ये है माउंट गैम्बियर, छोटा सा। Turn left onto Bay Road, Riddick Highway, then turn right onto Watson Terrace. मेरे ख्याल से ये यहीं पे कहीं पे सड़क पे गाड़ी खड़ी करके हमें पैदल जाना पड़ेगा केव गार्डन में। तो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कि शहर के डाउनटाउन जो बोलते हैं बाजार, उसके बीच में होगा केव गार्डन। तो यहाँ पे पार्किंग सुविधा
पार्किंग है यहाँ पे, ये औरत जा रही है पीछे। कोई नहीं, टर्न राइट ऑन टू वॉटसन टेरेस। वॉटसन टेरेस यहाँ पे राइट लेने को कह रहे हैं ये। यहाँ पे है जी केव गार्डन, इधर भी है पार्किंग। ओके, यहाँ पे पार्किंग में लगा देंगे और जो है केव गार्डन देखते हैं। ये टैक्सी जोन है और ये की पार्किंग बची हुई थी हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई बात मेरे को अच्छी नहीं लगती तो वो है पार्किंग, ढूंढते रहो पार्किंग को। छोटा शहर था, फटाक से मिल गई। मेलबर्न होता तो ना नहीं याद आ जाती, पार्किंग नहीं मिलती। और जो पेड पार्किंग है वो इतनी महंगी है कि उतने दाम में आप नई गाड़ी खरीद लो। एक सटायर था पर सच। चलिए आइए केव गार्डन देखते हैं। गाड़ियों के शीशे ऊपर और अब हम देखेंगे केव गार्डन। तो केव गार्डन जैसे कि नाम से पता चलता है कि कोई केव होगी, उसके अंदर ये गार्डन बना रखा है जो कि शहर के बीचों बीच है। तो अब हम देखेंगे केव गार्डन।